हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एराइज एकेडमी वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे एराइज एकेडमी पे आपका। आज हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसा कि देखा आप लोगों ने, लास्ट लेक्चर है आज का, तो आई होप सभी लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। आज हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पेंडुलम की एक प्रॉब्लम से इस लेक्चर को, और एकदम मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, एज यू नो कंपाउंड पेंडुलम मैंने पढ़ाया था आपको, फिजिकल पेंडुलम का एक प्रॉब्लम करेंगे। लास्ट लेक्चर फिजिकल पेंडुलम पे ही खत्म किया था हमने, फिजिकल पेंडुलम। अभी बेटा आज हम क्या करेंगे, एक डिस्क को टांगेंगे, जी हाँ, और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2π अंडर रूट i/mgd हो जाएगा। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो i/mgd इज फाइन इनफ। अब हमने क्वेश्चन लेना है इसमें बेटा, इसके ऊपर हमने देख ही रखा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रॉब्लम। मित्रों अगर हम एक डिस्क ले लें, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ डिस्क, डिस्क मान लें, डिस्क जानते हैं आप लोग, रोटी जो हमारे घरों में रोटी बनती है वो एक डिस्क है। डिस्क जिसका रेडियस आर है और जिसका मास एम है, जी हाँ, M is the mass of the disc, R is the radius of the disc. M is mass of disc. जी हाँ, oh sorry, mass of disc and D R is the radius of the disc. Yes बच्चों, R is radius of disc. बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, मास और रेडियस तो हमारे पास है ऑलरेडी। वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम पीरियड अगर इस डिस्क को इस कोने से टांग दिया जाए और इसको ऑसिलेट होने के लिए छोड़ दिया जाए। जस्ट ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स है ना बेटा, तो ऑसिलेट करेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π अंडर रूट जो भी होगा i/mgd होगा। सबसे पहले हम बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस हिंज पॉइंट के अबाउट। एज यू नो दिस इज योर हिंज पॉइंट। अब इस हिंज पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। चलिए बच्चों यहां निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज i = इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज mr² / 2 प्लस डिस्टेंस m/r². मित्रों इसको सॉल्व करेंगे तो i हो जाएगा 3/2 mr². i की वैल्यू हम हिंज पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, हम लोग d भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग d भी निकाल सकते हैं। अगर हम d निकालेंगे तो मित्रों आएगी t बराबर i का मतलब क्या हो गया, 3/2 mr² mg। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज r, हो जाएगी mg/r, r से r कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 3r/2g। अच्छा 2π यहाँ पे आगे है, 2π 3r/2g। यस, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से दिमाग में उतर गई होगी। जी हाँ गाइज, चलिए फटाफट छापेंगे फिर हम चलेंगे आगे की तरफ और चैप्टर को निपटाएंगे फटाफट। यस, क्विकली सॉल्व करेंगे सभी लोग।
बेटा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है ध्यान से देखेंगे। टॉर्शनल पेंडुलम मित्रों क्या होता है ध्यान से देखो, अगर तो अगर हम एक पेंडुलम लेते हैं और पेंडुलम को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, जैसे एक पेंडुलम ले लिया, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। तो बच्चों इसमें जैसे स्प्रिंग में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ध्यान से समझना, ऐसे ही टो बराबर माइनस सी इंटू थीटा होता है। तो बेटा और जब गोल गोल घूमती है कोई चीज तो लीनियर में हमारा जैसे कि एम मास काम करता है, ऐसे ही रोटेशनल में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। लीनियर में मित्रों, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे मास एम होता है। बेटा देखो टॉर्शनल पेंडुलम कैसा होता है मैं आपको बता दूं, ये एक यहां पे जो हमारा पेंडुलम होगा दैट इज गोइंग टू ऑसिलेट लाइक दैट, ऐसे ऐसे आप देखो तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, यस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इस पेंडुलम को हम लोग नाम देते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। लीनियर जो हमारा मास होगा एम, रोटेशनल में, रोटेशनल या सर्कुलर में, रोटेशनल में ये काम करेगा आई। तो मित्रों हम लोग जब टाइम पीरियड लिखते हैं लीनियर वाले स्प्रिंग मास सिस्टम का तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाता है। पढ़ाया था बेटा आपको स्प्रिंग मास सिस्टम। सिमिलरली मित्रों अगर एक टॉर्शनल ऐसा स्प्रिंग है, ऐसा जनरली कमी आएंगे क्वेश्चन बट आपको पता होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होगा, where I is the moment of inertia about that axis and C is the torsional spring constant। फटाफट नोट करेंगे सही बच्चे। दो तीन स्पेशल केसेस और देख लेते हैं बेटा जो जो पॉसिबल है इसमें। यस बच्चों आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। जी हाँ यस। चलो नेक्स्ट एक स्पेशल केस है। मान लो ये सब बेटा हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं जो मैं कराने जा रहा हूं। मान लो अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोद दो आप, आर पार, इधर से गड्ढा खोदो उधर निकलो, मतलब गड्ढा खोदना यहां पे चालू करो और अपने घर पे, और जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ में एक टनल बना दो ऐसे आर पार वाली। तो इसमें देखो बेटा यहां पे अर्थ सरफेस पे जो जी होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब इसको आप यहां छोड़ोगे तो जी यहां पे जीरो होगा। तो पार्टिकल जो होगा एम मास का, आर रेडियस है यहां पे अर्थ का, तो इसके अंदर जो एक बॉल होगी वो ऑसिलेट करेगी ऐसे ऐसे, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होता है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सेम बेटा पानी में, मान लो ऐसे ऐसे अपने वाटर ले लिया, यस, और इसके अंदर एक बॉडी ले ली जो ऐसे फ्लोट कर रही है, उसका एच पोर्शन या डी पोर्शन उसके अंदर, अब इसको थोड़ा सा अगर आप कंप्रेस करोगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। ये दो केसेस आप फटाफट नोट कर ले, कभी पूछ लिया एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो बाकी इतना नहीं इंपॉर्टेंट है बेटा ये। यस दिस इज नॉट एज मच लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछ ले तो छोटी बात आपको पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी बात, व्हाट आई मीन। यस बच्चों फटाफट नोट करेंगे सभी लोग।
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लिसाजस फिगर्स। अब ये कई किताबें देती हैं, कई किताबें नहीं देती हैं, आपको मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब ये फिगर्स क्या होती हैं, ये दो तीन केसेस हैं नीट में, जेई में भी आ जाती हैं, कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या होती है लिसाजस फिगर्स। एक्चुअली दो अगर ऑसिलेशंस हैं, अब तीन फिगर्स हैं इसमें, स्ट्रेट लाइन, इलिप्टिकल और सर्कुलर। अब उसमें क्या क्या होता है, केसेस हम देख लेते हैं बच्चों। दिस इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ बच्चों, बेटा, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप सभी लोग असाइनमेंट जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट, आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन होंगे उतने, और नेक्स्ट लेक्चर में फाइनलाइज कर देंगे पूरा असाइनमेंट। हम चैप्टर में पूरा चैप्टर कवर किए हैं प्रॉपरली तरीके से, तो हर प्रकार के क्वेश्चन असाइनमेंट मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन हम चर्चा कर लेंगे, और SHM हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद असाइनमेंट खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा, सबका प्यारा वेव मोशन। जी हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अब बेटा कई लोग नहीं कराते हैं इसको, फिर कई लोग कराते भी हैं, लेकिन मैं जरूर करवाता हूँ। लिसाजस फिगर्स डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ सकते हैं। देखो, मान लो बेटा आपके पास दो इक्वेशंस हैं SHM की, Y1 और Y2। Y1 आपकी है A साइन ओमेगा टी और Y2 है B साइन ओमेगा टी। बता चुका हूँ फेज वाइज में बहुत सारा +5। अगर ये दोनों ओवरलैप करती हैं तो इक्वेशन क्या क्या कैसे कैसे बनेगी। सबसे पहली बात, आप इसको, एक को x मान लो और दूसरे को y मान लो, दो इक्वेशंस हैं, एक को x एक्सिस पे मान लो और एक को y मान लो। x और y के बीच में वेरिएशन हम लोग उसमें ड्रॉ करते हैं बच्चों। सबसे ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, हम एक को x मान के चलते हैं बेटा और एक को y मान के चलते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, फाई के अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग x और y के ग्राफ आते हैं बच्चों, तो वही चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। जी हाँ बच्चों, और एक ए को बड़ा मान लो या बी को छोटा मान लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मित्रों, अगर पहला केस वन, तीन फिगर्स होते हैं इसमें, केस वन फर्स्ट, अगर हमारा फाई जीरो है, फाई जीरो का मतलब इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। फाई जीरो होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस जीरो हो जाएगा। यस, अब प्लस जीरो का मतलब ओमेगा टी आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, इन दोनों से आप इक्वेशन निकाल लो, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू x बाई ए। कभी कभी आता है इन दोनों का ग्राफ भी ड्रॉ करो, x और y दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए साइन ओमेगा टी अगर यहां से लोगे तो y बाई बी। तो कंपेयर करोगे पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर पहली वाली इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरी वाली इक्वेशन, तो मित्रों हमारी बात कैसी हो जाएगी, x बाई ए बराबर y बाई बी, तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। ध्यान से देखो, तो y बराबर m इंटू एक्स, m यहां पे स्लोप है, m क्या है बेटा, स्लोप है, m आपका स्लोप है मित्रों। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो y और x का ग्राफ ऐसा होता है और स्लोप आपका ऐसा हो, देखो ग्राफ। अब बेटा इसमें ग्राफ y और x का लिसाजियस फिगर ऐसा होगा कब, जब फेज डिफरेंस phi 0 हो, दैट इज केस वन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मतलब इस फिगर को स्ट्रेट लाइन आप बोलेंगे जब, अब देखो phi की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी ना बेटा, जैसे जैसे आपकी phi की वैल्यू बदलेगी मेरे लाल, वैसे वैसे ग्राफ बदलता जाएगा। तो पहला ग्राफ आपका आ गया स्ट्रेट लाइन, हाँ जी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कब, जब फेज डिफरेंस आपका शून्य के बराबर हो, दैट इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। जी हाँ, बेसिकली इक्वल टू क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो पहला ग्राफ प्लीज नोट डाउन, पहला ग्राफ सही बच्चे लोग फटाफट नोट करेंगे, फिर हम दूसरे ग्राफ की तरफ चलेंगे।
चलिए आप लोग बेटा रेगुलरली नोटबुक में नोट्स बनाएं, जैसे आप एक लेक्चर को करते हैं ऐसे ही इन वीडियो लेक्चर्स को आप ऐसा मान के चलें यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड यू नीड टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग। बस इसीलिए बेटा ये लाइव सेशन चलता है हमारा कि आप एक लेक्चर की तरह परफॉर्म करें चीज़ों को, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन आपके सामने होना चाहिए लाइक अ लेक्चर, और पेन कॉपी में जैसे ही टाइम देता हूँ फटाफट नोट कर लें कभी, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन में कभी कभी हम टाइम कम देते हैं नोट करने का। लेकिन बच्चों आपको क्या होता है, बच्चे आपको पॉज करके फिर उसको नोट करें, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे तो ही चीज़ें बनेंगी, नहीं तो बच्चे गलत बात हो जाएगी। चलिए केस वन आपका हो गया समाप्त, चलेंगे मित्रों केस टू की तरफ। यस, केस टू में बेटा जो आपका लेसाजेस फिगर होगा, अब इसको कई लोग, मैं अंग्रेजी में जैसे लिखा लेसाजेस वैसे ही मैं पढ़ता हूं इसको, अब कई लोग इसको कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स नॉट अ पॉइंट। यस, दूसरा केस टू मित्रों, केस टू इज लाइक दैट कि भैया फाई की वैल्यू पाई बाई टू ले लो, मतलब 90 डिग्री ले लो। मित्रों अगर मैं ऐसा करता हूं तो, और मैं मान लेता हूं कि भैया जो हमारा ए है वो बी से बड़ा है, ऐसा मान लेता हूं, सिर्फ मान ले रहा हूं जनरली, इस केस में यहां लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बी भी बड़ा हो सकता है ए से, ये आपकी श्रद्धा है, बस फिगर का शेप पता होना चाहिए। मित्रों अगर मैं इसको लिखता हूं तो x बराबर a साइन ओमेगा t, दूसरा हो जाएगा y बराबर b साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। यस, दैट विल बिकम साइन पाई ओमेगा t प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम कॉस पाई बाई, आई मीन कॉस ओमेगा t, ये हो जाएगा b कॉस ओमेगा t। मित्रों अगर हमारा b कॉस ओमेगा t हो जाएगा मेरे लाल, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, है ना, एग्जैक्टली हमारा y की वैल्यू ये आ गई। चलो देखते हैं, दिस इज, अच्छा इसको अगर हम लिखें गिब्स टू, तो साइन ओमेगा t बराबर x बाई ए, इसको हम लिखें कॉस ओमेगा t बराबर y बाई बी, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, एक्चुअली स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने के बाद पहली वाली दूसरी वाली में ऐड करेंगे तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दिस इज एग्जैक्टली द फिगर नेम इज एलिप्स, इस फिगर का नाम है एलिप्स, और इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, ये इक्वेशन इलिप्स की है, ए बड़ा है तो इसके रूट भी बड़े होंगे और ये हो जाएगी इलिप्टिकल इलिप्स, ये फिगर हमारी इलिप्स या इलिप्टिकल हो जाएगी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बेटा, है ना, ठीक है। केस टू इज दिस वन, आई होप आपको केस टू क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा केस थ्री होगा, केस थ्री और भी सुंदर सुशील गुणवान होगा, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, फटाफट छापें सभी बच्चे, केस थ्री पढ़ेंगे। चलिए जल्दी छापेंगे, यस बेटा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जब फाई की वैल्यू पाई बाई टू होगी, स्पेशल केस ही चल रहा है,
और ए हमारा बी के बराबर होगा तो क्या होगा? दिस इज इलिप्टिकल फिगर जो हमारा दूसरा फिगर था, केस थ्री। अब इसमें कई केसेस बेटा, मैथ्स लगाते रहो, जेई वगैरह वाले में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारी मैथ्स पढ़ते रहते हैं। ज्यादा मैथ्स नहीं लगाने का, बस सीखने का चीजों को। केस थ्री अगर मैं देखूं, हाँ केस थ्री मित्रों, केस थ्री की बात अगर मैं आपसे करूं तो हम इसमें फाई की वैल्यू लेते हैं पाई बाई टू और ए बराबर लेते हैं बी के। यस, फाई की वैल्यू लेते हैं पाई बाई टू और ए बराबर लेते हैं बी के। इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, देन व्हाट विल से कि भैया एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मित्रों ए बराबर बी है तो मैं यहां पे भी ए लिख दे रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, मतलब यहां से साइन ओमेगा टी बराबर एक्स बाई ए, साइन ओमेगा टी बराबर एक्स बाई ए। यहां से हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बराबर वाई बाई ए। अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग पहली एंड दूसरी करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली वाली और दूसरी वाली को अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एक्स। अच्छा ध्यान से समझो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इट मीन्स भैया देखो ध्यान से, ये तो हो गया वन। अच्छा यहीं पे लिख सकते हैं, जगह तो है। वन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, ये कौन है? ये हमारा सर्कल है। कौन है ये? ये सर्कल है विद रेडियस ए। तो ये हो जाएगी सर्कल विद रेडियस ए। दिस इज द थर्ड केस। दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों। इसमें तीन चीजें और, अच्छा नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। जो बच्ची कुछ ही चीज़ें होंगी वो हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे और ढेरों प्रश्न सॉल्व करेंगे। फटाफट सभी बच्चे लोग छापेंगे इसको और हम आगे की तरफ मूव करेंगे। चलिए मित्रों, ये बात हमारी हो गई। तीन प्रकार के ऑसिलेशन होते हैं, एक होता है फ्री ऑसिलेशन, एक होता है डैम्ड ऑसिलेशन, एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। उसके ऊपर हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन वगैरह के माध्यम से। फिलहाल हम आज एज पर माय प्रॉमिस आज मैं आपको असाइनमेंट सॉल्व करवाना स्टार्ट कराता हूं। सभी बच्चे लोग रेडी हो जाएं, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा लूं फटाफट, तो आप लोग आंसर की मैच कर लेंगे। यस, असाइनमेंट जिसके पास सब लोग डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, मैं भी जरा असाइनमेंट ले लूं।
गाइस पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, दैट इज अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, द इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू। असाइनमेंट बेटा फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट दो दो तीन क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, फिर आप नोट करेंगे। 50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा असाइनमेंट, फिर हम वेव स्टार्ट करेंगे, वेव मोशन। यस, जरा ध्यान से देखें बेटा, सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू दिस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल थ्री वेलोसिटी विल बी। देखो ध्यान से, फटाफट एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 5 sin 4t - π/6, ओमेगा आपका आ गया 4, ए आपका आ गया 5, ओमेगा आपका आ गया 4, ए आपका आ गया 5, है ना मेरे लाल? अगर आप ध्यान से समझें तो v पूछा है आपसे एट x इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू अपने को पाई जे, ओमेगा इज 4, अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब 5 माइनस 3 स्क्वायर, 5 × 25 - 9 = 16, तो v बराबर 16 मीटर पर सेकेंड। आपका पहला आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टू आपका है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक दिस दिस ब्ला ब्ला ब्ला, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू। यस, वी पूछा है, वेलोसिटी है ओमेगा अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किस ए बाई टू पे। मित्रों अगर हम इसको लिखेंगे 2π/T ओमेगा को, ए स्क्वायर को कैपिटल ए दिया हुआ, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर ए बाई टू का मतलब ए स्क्वायर अपॉन 4। भैया सॉल्व करोगे रूट 3 बाई बी बराबर 2π/T। अभी नोट मत करें, सिर्फ देखें, कॉपी करने का समय आपको दे दिया जाएगा। चलिए रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो भैया 4 से ये 2 कैंसिल हो गया रूट से बाहर आके, v कितना आ गया, ये आ गया रूट 3π ए अपॉन टी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, रूट 3π ए अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू ए ऑप्शन। यस, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे हम लोग मित्रों। तीसरा प्रश्न है, द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, किस डिस्प्लेसमेंट में दोनों इक्वल होंगी। आप u बराबर के लिखेंगे मित्रों, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर - x स्क्वायर, ये इससे छमछम हो गया x² a² - x² 2x² = a², तो x बराबर प्लस माइनस a बाई रूट 2। दीज आर द 3 क्वेश्चंस, आप ऑप्शन मैच कर लें, दिस इज सी ऑप्शन। यस, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, फटाफट छापेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से आप लोग नोट करें इसको। जी हाँ गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4, टाइम पीरियड वैसे होता है कितना, t है 2π अंडर रूट l / g,
जब आप लिक्विड में डुबाएंगे तो टी हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अब सिग्मा की वैल्यू वाटर के लिए 1 हो जाएगी, है ना। अच्छा, टी डैश बाई टी करेंगे तो बेटा टी डैश बाई टी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ये एल है बेटा, आई एम सॉरी, दिस इज एल लेंथ, दिस इज एल 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 एल, हाँ जी, एल अपॉन 1, अच्छा सॉरी, एल अपॉन जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अच्छा, ये इससे हो गया कैंसिल, ये इससे हो गया कैंसिल। तो मित्रों टी डैश बराबर टी डैश बाई टी बराबर कितना होगा, टी डैश बराबर सिग्मा की वैल्यू 1 पुट कर दें तो सिग्मा माइनस सिग्मा बाई हो जाएगा रूट रो अपॉन रो माइनस 1, आई होप रो अपॉन रो माइनस 1, ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो टी डैश आपकी वैल्यू यहां से सॉल्व होके आई थिंक डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से नोट कर लें सभी लोग, कैलकुलेशन देख, अच्छा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेना बेटा, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये गड़बड़ किया, बेटा देखो ध्यान से, अच्छा टी डैश यहां देख लो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, यहां पे बेटा ये डिनोमिनेटर में है, ध्यान रख लेना, तो डिनोमिनेटर में आके वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जी हाँ। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल, तो टी डैश बराबर टी 1 माइनस रो अपॉन रो माइनस 1, दिस इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन, छाप लीजिए क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग प्रस्थान करेंगे और देखेंगे। पांचवा प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, पांचवा प्रश्न कह रहा है द सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम पीरियड टी एंड इट्स इफ इट्स लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21% इंक्रीज इन द टाइम पीरियड विद द पेंडुलम इज। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से समझो तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है पहले एल लेंथ थी, टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, नई लेंथ कितनी हो गई 21% बढ़ा दी, मतलब L जो हो गई वो 21% ऑफ L, L डैश है ये, तो टाइम पीरियड में कितना फर्क पड़ेगा ये पूछा ना, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 121/100 इंटू एल, सिंपल सी बात है मित्रों, नया डैश टी डैश आ जाएगा, टी डैश होगा 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी, है ना, एल डैश बाई जी तो सही है, बट द पॉइंट इज What we need to do, L dash की वैल्यू पुट करेंगे, yes, 2 पाई अंडर रूट L dash, L dash का मतलब हो गया 121/100 इंटू एल बाई जी। भैया जानबूझ के ऐसा डाटा दिया गया कि आपसे सॉल्व हो जाए, T परसेंटेज एरर बराबर T dash माइनस T अपॉन T, T ओरिजिनल, तो 121 मतलब हो गया 11/10, ओके 11/10 माइनस 1, और दोनों में ये चीज कॉमन है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बेटा देखो सिर्फ ये बच जाएगा 11/10, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी दोनों में कॉमन है, अपॉन में नीचे भी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। मित्रों ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इंटू 100 कर देंगे, 1/10 इंटू 100, 10% आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 5th विल हैव ए ऑप्शन। कृपया करके जल्दी से छाप लें आप लोग, जितना जल्दी छापेंगे उतना जल्दी हम आगे की तरफ मूव करेंगे क्विकली, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे हम लोग जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग देखेंगे बेटा। छठा प्रश्न अगर हम देखें ध्यान से, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द इक्विलिब्रियम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 1/4 ऑफ मैक्सिमम का मतलब हो गया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं बेटा, ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा क्वेश्चन आप कर रहे होंगे। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम्स भी आए हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, इसके बराबर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना। हाँ तो भैया कट गया ये इससे, एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाय 2, आंसर विल बी ए बाय 2। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सातवां प्रश्न लगेज सॉल्व करेंगे। यस, तो क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम का मास एग्जीक्यूट कर रहा है SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5 मीटर। अच्छा जी, डाटा लिख लेते हैं। मास आपको है 10 × 10⁻³ kg, भैया SI में लिखोगे ना, और एम्पलीट्यूड ए कितना है 0.5 मीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर्कुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा कितना है बेटा, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स बराबर होता है मा, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, एग्जाम में भी आया था, हमने किया भी था, फिर भी देख लो आप। एफ बराबर एम ए होता है, कई बच्चे एग्जाम नहीं देते तो पता ही नहीं होता उनको। ए होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजिशन होता है, दैट्स फाइन, बट द पॉइंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज ए। हाँ तो भैया एम ओमेगा स्क्वायर ए, एम ओमेगा स्क्वायर ए, एम ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ। एफ बराबर माइनस, ठीक है मैग्नीट्यूड की जरूरत तो नहीं है, खैर एम बराबर 10 × 10³ - 3, घात का मतलब पावर होता है मित्रों, डोंट बी अदरवाइज, 10² इंटू 0.5, ये कट गए, तो एफ बराबर 0.5 न्यूटन आ गया आपका आंसर। चलिए सातवां प्रश्न हो गया, आठवें की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से आप लोग छापेंगे। आठवां क्वेश्चन बहुत सुंदर, सुशील गुणवान है, UCM यूज करेंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको लेक्चर के दौरान भी कराया है, फिर भी एग्जाम में आया हुआ है, असाइनमेंट में दिया हुआ है, आप लोग अगर हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। चलो क्विक, वी क्विक वी फास्ट, चलिए बच्चों सॉल्व करेंगे सभी लोग, कॉपी करेंगे, व्हाट आई मीन, एट्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, आप लोग बेटा नोट करते रहिए साथ साथ। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे बेटा, देख के हमें बड़ा अच्छा लगा इस क्वेश्चन को, कि टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM विद एन सेम एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी सेम स्ट्रेट लाइन, दे पास वन अनदर विद द अपोजिट डायरेक्शन, यस हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि एक लीनियर SHM है, जरा ध्यान से लिखना इसको, अभी कोई नहीं लिखेगा सिर्फ सुनेंगे सभी लोग। एक लीनियर SHM है, दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए, दिस इज शून्य,
दिस इज ए बाई टू, एक पार्टिकल जा रेला है, एक पार्टिकल आ रेला है, आई मीन वन इज मूविंग अवे एंड वन इज मूविंग टूवर्ड्स इट. या वट विल हैपन माई डियर फ्रेंड्स? सर कुछ नहीं होगा, एक आएगा एक जाएगा और एंगल कुछ ना कुछ बनाएगा. चलो इनके बीच में, मतलब अगर पार्टिकल नंबर वन ये है, पार्टिकल नंबर टू ये है, तो क्वेश्चन पूछना चाहता है क्या, बताओ इनके बीच में फेज डिफरेंस, क्या फेज डिफरेंस. यस दिस इज लाइक दैट. मित्रों अगर मैं कहूं कि मानो ये वाला पॉइंट ए बाई टू है, एक जा रेला है और एक आ रेला है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होएगा? देखो बेटा इन जनरल दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू. हमें एक ये एंगल चाहिए phi वन और दूसरा एंगल चाहिए phi टू. एक्चुअली हमें phi वन और phi टू की रिक्वायरमेंट है गोले से. बेटा गोला मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया, देखो दो लेक्चर लिए हैं तो इसलिए अच्छे से आप पढ़ना. phi वन और phi टू, अगर मुझे phi वन मिल जाए तो बात बन जाए. phi वन के लिए हमारा फेज डिफरेंस जो होगा दिस इज नथिंग बट पाई बाई सिक्स. कैसे सर? ध्यान से देखो मित्रों, ये वाला एंगल, ये वाले डिस्टेंस है ए बाई टू, ये ए है, तो अगर मैं साइन phi वन यूज करता हूं तो phi वन की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई सिक्स. सिमिलर फैशन में phi टू हो जाएगा, देखो अगर आप ध्यान से समझें तो ये वाला एंगल भी पाई बाई सिक्स हो जाएगा. phi टू आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब phi टू हो जाएगा 5 पाई बाई सिक्स, है ना. phi वन भी आ गया, phi टू भी आ गया, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी आ ही जाना है. phi टू माइनस phi वन इज द फेज डिफरेंस, दैट इज 5 पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब दिस इज नथिंग बट 4 पाई बाई सिक्स. दो दुन्नी चार, दो तिया छः, 2 पाई बाई थ्री, दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री. 120 डिग्री का मतलब ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा. फटाफट सभी लोग इसको नोट करेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सुंदर है. जी हां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे. चलिए क्वेश्चन नंबर 9th पे हम प्रस्थान करेंगे मित्रों. दस क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में. आज बहुत मजा आया होगा आप लोगों को पढ़ने में. दस क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, 9th. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यस क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है द एक्सेलरेशन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड. अच्छा देखो बेटा, ए फॉर एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो केवल. यस yes. तो ए इज हाउ मच सर? 12 सेंटीमीटर में चल रहा है, 12 ओमेगा स्क्वायर मतलब इतना ही बोलते हो ना आप, एक्स 3 इंटू 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज 4, मतलब ओमेगा इज प्लस माइनस 2, 2 ही ले लेते हैं, तो 2 पाई बाई टी बराबर 2,
2 से 2 छम छम, टी बराबर पाई सेकेंड्स। क्या है इसमें? वही है जो मंजूर खुदा है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th की बात अगर हम करें तो भैया क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज डिस्क्राइबिंग SHM अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद पीरियड ऑफ 2 seconds। यस, क्वेश्चन नंबर 10th आप लोग ध्यान से देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है जिसका मास दिस है, स्ट्रेट लाइन पे है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज 5 centimeters फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी। ध्यान से देखिए, डाटा आपके पास है, मास कितना? 10 × 10⁻³ kg। यस, पीरियड ऑफ टी इज इक्वल टू 2 seconds। टी इज इक्वल टू कितना? 2 seconds। एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड है 10 centimeters। एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 10 centimeters है। इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 m² a² - x² m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज। सब कुछ अच्छा CGS में ही है तो बेटा इसको ग्राम में ही रहने दो। आई एम सॉरी, CGS में है तो अर्जेस में आंसर आ रहा है। आप लोग असाइनमेंट में देख सकते हैं बच्चों, आंसर इज इन अर्जेस ओनली। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 m मतलब 10, ओमेगा मतलब हो गया 2π/T का होल स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर दैट इज 10² यस बच्चों, 10² माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितने पे बोला है उसने? एक्स उसने कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10th? एक्स 5 मतलब 5² टी की वैल्यू 2 पुट कर दो और ये इससे कट गया, 2 × 5 = 10 मित्रों, 5 × π, आंसर पाई स्क्वायर में तो टेंशन ही नहीं है। 10^100 माइनस 25 = 75 है ना? हाँ, तो 375 पाई स्क्वायर अर्जेस। अर्जेस बेटा क्या होती है? अर्जेस यूनिट होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी की। अर्जेस कुछ है और नहीं होती, अर्जेस इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज बेसिकली एनर्जी ऑफ वर्क। एनर्जी CGS सिस्टम में होती है बेसिकली। प्लीज नोट इट डाउन बच्चा लोग, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एंड। चलिए बच्चों, बच्चों ये हमने बेसिक जानकारियां आज के लेक्चर में ली। लेक्चर हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस असाइनमेंट के बाकी बचे हुए बढ़िया क्वेश्चंस हैं, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है तो आप जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। यू मस्ट नीड टू सॉल्व दिस टिल क्वेश्चन नंबर 50 फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सभी लोग नोट कर लेंगे इसको बेटा। आप लोग रेगुलरली लेक्चर्स करें, असाइनमेंट करें तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।